मैडम आपने क्यों तकलीफ की? आपको क्या जरूरत है आने की? मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता फाइल लेने के लिए। नो तकलीफ एट ऑल मिस्टर साजन, मैं बस घर से गुजर ही रही थी तो सोचा आपको फाइल देती जाऊं। ऑलराइट देन आई गेस आई विल गो। अरे ऐसे कैसे, मैंने बैंगन का भरता बनाया, खा के जाना। मुझे बैंगन का भरता पसंद नहीं है। मैडम जी बैंगन से एलर्जी है क्या आपको? नहीं, इट्स जस्ट दैट आई एम एलर्जिक टू द बैंगन, आई फाइंड द कलर इज टू टैकी। Anyway, Mr. Sajan, I'll see you tomorrow in the office. Yeah. Madam ji, see you tomorrow in office. Like I have an option. All right, see everyone. Good night. Okay, madam. Yep. Bye-bye. Bye. Miss sweet, hai na, madam? Tumse to kam hai. Khana? Oh. Khana lagao? Ha. Chalo, aap bhi muft ka hai. Thus lo. चलो टेबल पे। हाँ भाई लूट ले खाना, लूट ले लुटेरे। गाल लाल क्यों है तेरा? भैंस के ऊपर बैठ के झूल ले तू। ये सेम ही ठीक है, सेम ठीक है। खुशियां मुफ्त में नहीं मिलती भाई, और जो मुफ्त में मिल जाए वो हमेशा डिफेक्टिव ही होती है। इन सब चीजों से किसी का कभी कोई भला नहीं हुआ है। अपने बस का रोग नहीं है रोज रोज का तमाशा। कश्मीरा बेबी जल्दी आओ ना यार। क्या हुआ, आज कोई किताब विताब नहीं पढ़नी है क्या? ना ना कोई किताब ना कोई पढ़ाई। क्या यार संजू, मैं तो सोच रही थी कि मैं आज तुम्हारा एग्जाम लूंगी। तो वो तो तुम वैसे भी ले सकती हो, मजा हुआ स्टूडेंट है तुम्हारा पति, जो एग्जाम लेनी है ले लो, अव्वल दर्जे से पास हो जाऊंगा। और अगर फेल हो गए तो बदल डालना पति। नहीं मुझे तो यही पति चाहिए। दादी आप क्यों आए अचानक? मैंने तो अभी कश्मीरा को कुछ भी गलत नहीं बोला। मैं भी तो वही सोच रही हूँ कि तेरे खुराफाती दिमाग में कश्मीरा बच्चे के लिए अचानक इतना प्यार कैसे आ गया। अचानक की क्या बात है, मेरी पत्नी है, मैं उससे सच में बहुत प्यार करता हूँ। झूठ, सच बोल वरना मेरी तरह तुझे भी मुक्ति नहीं मिलेगी, घूमता रहेगा इस घर में खांसते हुए। क्या यार क्यों फेंक दी मैंने किताब, काश किताब होती ना तो दादी को भी हिप्नोटाइज कर लेता, जाने कहाँ होगी वो किताब। तुम्हें नहीं लग रहा कॉफी बनाने में काफी टाइम लग रहा है? अरे आ रहा है ना भूपेश दूध लेके, बना दूंगी। वो अभी तक नहीं आया मनुष, एक घंटा हो गया उसको गए। तुमने उसको ठीक से समझा दिया था ना कि दूध लाना है, वो भैंसा ना पकड़ ला है जड़ बुद्धि। जी जी लो आ गया। मैं आ गया, यो ले दूध। क्यों रे वो साले कहाँ रह गया था तू? ओ जी जा गाली मत ना देवे। साला बोला है बे। लेकिन यो गाली वाला साला है। ओ सॉरी यार। भैंस मन ने आने नहीं दे रही थी। क्यों, भैंस को मोहब्बत हो गई थी तुझसे, तेरी पपियां ले रही थी वो। एरी कश्मीरा कह दे रहे मेरे दामाद से कि मेरे बच्चे का मजाक ना उड़ाए। हाँ आई एम सॉरी सासुमा, आई एम सॉरी मुझसे गलती हो गई भाई। जिसका खुद ऊपर वाले ने मजाक उड़ाया वो भी इतना भयंकर वाला, उसका मजाक मुझे नहीं उड़ाना चाहिए। संजू मम्मी से तमीज से बात करो। और भोपू भैंस क्यों नहीं आने दी थी? जी जी भैंस बैठ गई थी ना तो मैं कैसे आता? तो भैंस को खड़ा करवा के तुझे उससे सलामियां लेनी थी हैं? जो भैंस के खड़े होने से पहले तू नहीं आ सकता था? अरे जीजा तू समझ क्यों नहीं रहा है, भैंस बैठ गई थी। अबे तो अरे बावली पूछ, भैंस मारे ऊपर बैठ गई थी तो मैं कैसे आता? तू क्या भैंस के नीचे घुस के दूध निकाल रहा था क्या? तोड़ के भैंस के ऊपर बैठ के उसके सींग में से दूध निकालता मैं। दरअसल बात यह है कि वो दूध वाला ना थोड़ा बिजी था तो मैंने सोचा कि मैं ही दूध निकाल लेता हूँ। जीजा तने 500 रुपए दिए थे ना, उसमें से 300 रुपए बचे हैं, 150 रुपए का मैंने दूध ले लिया और 50 रुपए की लॉटरी की टिकट।
₹50 का लॉटरी का टिकट क्यों लाया तू? अरे जीजा चिल्ला क्यों रहा है, सुन तो ले यार। दूध वाले के पास ना खुले पैसे नहीं थे, तो उसने मन्ने ₹50 का लॉटरी का टिकट दे दिया, जो घने फायदे की चीज है। ₹50 का लॉटरी का टिकट और जीतने के बाद ₹5 करोड़ का इनाम। बेवकूफ इंसान, ये कुछ नहीं होता है, ये लॉटरी वॉटरी कोई नहीं खुलती, लॉटरी वॉटरी किसी की नहीं लगती है, पैसे बर्बाद करके आ गया। लगती है, छेदी जी की नहीं लगी थी क्या लॉटरी? फिर उन्होंने इतना बड़ा कंपनी खरीदा था और उसमें तुम्हें नौकरी दी थी। अरे जीजा मारी तो लगी थी 3 साल पहले। देखा देखा, इस घर की खाता है और जब लॉटरी लगी तो सारे पैसे अकेले निकल गए। तो क्या करता? क्या करता क्या करता यार, आधे पैसे मुझे देता, मैं भी नौकरी वोकरी छोड़ के आराम की जिंदगी जीता। मैं क्या कर रहा है बे? जीजा मैं हिसाब लगा रहा हूँ कि आधे पैसे तन्ने देता तो तन्ने कितने मिलते। जीजा ₹7.5 में तू जिंदगी काट लेता। ₹7.5 या 7.5 लाख? बावली पूछ, रुपए की बात कर रहा हूँ मैं। पूरे ₹15 की लॉटरी लगी थी तो उस हिसाब से थारे हिस्से में ₹7.5 आते। बिना कुछ जाने बिना कुछ बताए उसका गला दबाने के लिए दौड़ पड़ते हो एकदम ही। आज मिल जाए मुझे किसी दिन इसका गला दबाने के लिए। मन तो करे इसकी यही फाड़ दूं मैं लॉटरी वॉटरी सब टिकटे। I hate you, जीजा। अरे मानते क्यों नहीं हो, लॉटरी लगती है, छेदी जी की भी लगी है। एक बार मारी लॉटरी लगी ना तो इस जीजा ने अपने यहाँ पर नौकर रखूंगा। चाय पी ले, दिमाग ठंडा कर ले अपना। वाह, ऑफिस जाते वक्त ना अपने बच्चे को डायपर भी दे दिया करो, कल से इसको बाबा गाड़ी में लेके जाऊंगा मैं। क्या संजू, बच्चे कितने ही बड़े हो जाए लेकिन माँ के लिए तो बच्चे ही होते हैं ना। तुम क्या समझो माँ का प्यार, तुम माँ थोड़ी ना हो। मैं मरा हुआ भी नहीं हूँ लेकिन मरे हुओं का भी सारा एक्सपीरियंस है मुझे, रोज मिलता हूँ ना मैं सफेद आंखों से। अरे जीजा तू अखबार पढ़ रहा है ना, तुम्हारी लॉटरी का नंबर भी देख दे। बेटा लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं आती है समझा। अरे जीजा सकल ढंकी नहीं है तो बात तो ढंकी कर ले कर तू। देख लो ना यार संजू उसकी तसल्ली के लिए। अरे यार तुम लोग यार सुबह सुबह ना मेरा बिल्कुल मूड खराब करके ही मानोगे। चल बोल नंबर। 97-63-482। अरे ओए मोबाइल नंबर नहीं लॉटरी का नंबर बोल। तो जीजा नू बोलना। एजे 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 हाँ एजे है। हाँ आगे बोल। 38 62 91 3 3 और 8 8